मुझे हेलीकॉप्टर से 1 घंटे का समय लगता, लेकिन वहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 9 घंटे लगे। और जगह जगह मुझे बहुत दिक्कत गई मुझे, और जगह जगह इन्होंने, क्योंकि सरकार वहाँ उनकी है तो जगह जगह ट्रैफिक जाम था। मुझे जेड प्लस की सिक्योरिटी है और ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। और जब मैं उस गांव में गई तो डीएम एसएसपी गायब थे वहां से, और वहां पे हालात बड़े खराब कर दिए गए, लेकिन नेशनल मीडिया वहां पे मौजूद था। मैंने संयम बरता और मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही की जिससे वहां पर दलितों में और अपर कास्ट के लोगों में, क्षत्रियों में वहां पर मतभेद पैदा हो या उनमें आगे कोई संघर्ष हो उनमें। तो मैंने उनको भाईचारे के साथ रहने की अपील की, लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने, क्योंकि वहाँ पर जो 60-70 घर जलाकर राख कर दिए थे, जिनका उत्पीड़न किया गया था बड़े पैमाने पर, तो हमारे लोगों ने सरकार से मांग किया कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। घोषणा तो कर दी, लेकिन किसी को 5,000 दिए, किसी को 10,000 दिए। उनकी हालत खराब हो गई और तब फिर मुझे उधर जाना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक दलित संगठन भी है, उन्होंने बोला वो तो बीजेपी का प्रोडक्ट है। सारे उन्होंने तो हमारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई मदद नहीं की है। तब मैं उधर जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे हमारे लोग, खुद मौके पर मैं उधर गई, उनके घर जले हुए मैंने देखे, पीड़ित परिवार के लोगों से मिली। हमारी पार्टी ने जिनके घर जल गए थे उनको 50,000 रुपये देने का पार्टी की ओर से फैसला लिया, जो जख्मी हो गए थे 25,000। मैं वहां से लौट कर आई, लेकिन मेरे लौटने के बाद वहां पर एक दलित की हत्या कर दी जब वो अपने गांव में जा रहा था। लोगों को जुल्म जाति का शिकार बनाया गया। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस लौट कर आ गई तो मैंने जब वहां पर चेक भिजवाए 60-70 लोगों के, चेक भिजवाए 50,000 और 25,000 के, आप लोगों को ये जानकर आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि वहाँ के DM SSP ने हमारी पार्टी के लोग उस गांव में नहीं गए। जो सफरक थे, दुखी पीड़ित लोग थे, उनको सहारनपुर पार्टी का जो दफ्तर था वहाँ बुलाए गए और उनको कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको ये ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो उनको वहाँ पर सब लोग आ गए थे जो जिनको ड्राफ्ट देना था, लेकिन वहाँ के DM SSP मौके पर पहुँच गए। उन्होंने बोला आप ड्राफ्ट नहीं दे सकते, हमारी परमिशन से ड्राफ्ट देंगे, यानी कि हम अपने लोगों की मदद भी उनकी परमिशन से करेंगे। वहाँ के DM SSP ने 15-16 दिन तक ड्राफ्ट नहीं देने दिए। उसके बाद फिर हमारे लोग उनके रोज चक्कर काटते रहे, फिर सहारनपुर में बड़ी मुश्किल से जाकर हम उनको ड्राफ्ट दे पाए। इतना बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, तो इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि तो वहाँ पे तो जंगल राज है, महागुंडा राज है, इस समय वहाँ पर महाजंगल राज है, दलित ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले 5 ब्राह्मण समाज के लोगों के हाथ पर काट के उधर फेंक दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अन्याय अत्याचार, समाज का कोई वर्ग वहाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन दलितों के साथ तो बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। तो मैंने ये फैसला लिया था कि जब इधर हाउस चलेगा तो मैं इस मामले को सघन प्रस्ताव के तहत इसको मैं लाऊंगी, क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये जैसे हाउस शुरू हुआ तो हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ था। स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है। उन्होंने मुझे बुलाया, उपसभापति ने, माननीय उपसभापति ने मेरे को बुलाया, उनको मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि ये स्थगन प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुझे बुलाया, 0 आवर के तहत नहीं। 0 आवर जरूर था, 0 आवर में 3 मिनट की कंडीशन होती है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है। क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के तहत जब मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई, खासतौर से सहारनपुर में जो सबीरपुर गांव में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ, और पूरे देश में जो दलितों का, वीकर सेक्शन का, अकलियतों का, किसानों का, मजदूरों का जो उत्पीड़न हो रहा था, और खासतौर से मैं वीकर सेक्शन के मामले में दलितों के उत्पीड़न को लेकर जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई, तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए, सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए और मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ा। फिर हाउस के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने माननीय उपसभापति जी को बोला कि ये 0 आवर नहीं, आप 3 मिनट की कंडीशन नहीं रख सकते हैं। जब मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, मैं जिस समाज से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे समाज ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं राज्यसभा में पहुंचूं। मैं कोई पहली बार राज्यसभा में नहीं आई हूँ,
मुझे कोई राज्यसभा में आने का शौक नहीं है। मैं जो दबे कुचले लोग हैं उनके हितों के लिए मैं हाउस में आई हूँ। मैं कई बार राज्यसभा में आ चुकी हूँ, लोकसभा में भी मैं चुनाव जीत कर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोकसभा में नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा का भी चुनाव जीत कर आई हूँ, राज्यसभा में कई बार आई हूँ, विधान परिषद में जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार बनी तो मैं विधान परिषद में भी चुनकर आई और नॉमिनेट होकर आई और विधानसभा में भी चुनकर आई। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने से डरती हूँ। मैंने कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता। मैंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, जीता उत्तर प्रदेश से। और लेकिन जब चुनाव नहीं थे तो मैं राज्यसभा में कई बार आई। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब मैं किसलिए मैं इधर हाउस में आती हूँ, पार्लियामेंट किसलिए है? पार्लियामेंट इसलिए है देश और जनहित के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके मामलों को उठाने के लिए। और मुझे आज याद आ रहा है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा थे और अंग्रेजों के जाने के बाद जब यहाँ पहली सरकार बनी और पहली सरकार में जब वो कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, और उस समय सरकार की से बातचीत करके हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था, और जब वो बिल हाउस में रखने की बात आई तो उनको नहीं रखने दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो हिंदू कोड बिल कुछ नहीं था, वो जो महिलाएं थी, औरतें थी पूरे देश में, उनके अधिकारों के लिए था, जो बाद में टुकड़ों टुकड़ों के रूप में ये पास हुआ है, हुआ इसी हाउस के अंदर, इसी सदन में, ये राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में पास हुआ है टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन बाबा साहब को हिंदू कोड बिल उनको नहीं रखने दिया और उनको अपनी बात नहीं रखने दी, और नतीजा क्या हुआ कि उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री के पद से। और इतना ही नहीं, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने उस समय स्पीकर से कहा था कि मुझे अपनी बात रखने दो, मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ। उनको अपनी बात तक नहीं रखने दी और उनको फिर बाहर मीडिया में आकर इस्तीफा देने का कारण उनको बताना पड़ा। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुयायी, उनकी भक्त हूँ मैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश में, इस देश के हित में, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके हित में उन्होंने ये पूरी जिंदगी समर्पित की थी। और मैं उनके अनुयायी होने के नाते, और हमेशा उन्होंने अपनी बात इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी उन्होंने रखी। जब भी बाहर उनको जाने का मौका मिला वहाँ भी उन्होंने रखी, हाउस के अंदर भी रखी, लेकिन वो स्वाभिमानी थी। जब उनको लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उन्होंने सोचा मुझे कानून मंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जब मैं अपने जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जब मैं दबे कुचले लोगों की बात रख रही थी तो मेरी बात को सुना नहीं गया, और सत्ता पक्ष के लोग सारे के सारे, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, सारे के सारे लोग तो वो खड़े हो गए और मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो लानत है मुझे, फिर क्या फायदा इस राज्यसभा में इधर आने का, यदि मैं स्थगन प्रस्ताव के तहत, जिसमें कोई 3 मिनट की लिमिट नहीं होती है, मैं चाहूँ तो आधे घंटे भी बोल सकती हूँ, चाहूँ तो 1 घंटे भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। तो मैंने आज ये फैसला लिया है कि ऐसे हाउस के अंदर, ऐसी सरकार के रहते हुए, जो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दलितों को गुमराह करना, आए दिन गुमराह करती रहती है। और ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये लोग सोच रहे होंगे, बीजेपी के लोग, कि दलित को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा करके तो दलित उनको वोट मिल जाएगा, इनको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जो सहारनपुर में, जो सबीरपुर, जो दलित उत्पीड़न कांड हुआ है, जब मुझे इस सरकार ने बोलने नहीं दिया है तो ये इनकी नौटंकी नहीं है तो क्या है, ये इनकी नौटंकी नहीं तो क्या है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ऐसे, जब मैं अपनी बात नहीं रख सकती, देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, खासतौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, अपने वीकर सेक्शन के हितों की मैं अपनी बात नहीं रख सकती, दलितों के, आदिवासियों के हितों की बात नहीं रख सकती, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। तो मायावती, जो अब यहाँ पर
एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया। उनका कहना है कि जब वो अपने वर्ग की बात ही नहीं रख सकती तो ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया है कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले हमने देखा था कि उपसभापति ने जब उन्हें रोका, जब अपनी बात रख रही थी, तो नाराज होकर वो सदन से बाहर चली आए। और इस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इससे तो बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं, और अब ऐलान कर रही है कि अब वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी। मायावती, जिनका कहना है कि मैं जिस तबके की बात रखने के लिए यहां पर आई हूं, जिस तबके की आवाज उठाने के लिए मैं सदन में आई हूं, अगर मुझे वही मौका नहीं दिया जाए तो फिर मेरा इस सदन में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो इस बात के साथ ही मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी खबर है आज की। नाराज हुई है मायावती, और इस नाराजगी के चलते उन्होंने ये बड़ा कदम उठा लिया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सहारनपुर की घटना में यहाँ पर लगातार दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न तो हो ही रहा है, लेकिन उस बात को सदन में उठाने नहीं दिया जा रहा है। मायावती ने कहा कि मैं सदन में हूं ही इसलिए कि मैं समाज के उस तबके की आवाज उठा सकूं जिसका लगातार उत्पीड़न हुआ है, जिसे लगातार दबाया जा रहा है, जिसे लगातार धमकाया जा रहा है। अगर उन्हें उनकी जिम्मेदारी यहां पर निभाने नहीं दी जाएगी तो फिर उनका सदन में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। और ये तमाम आरोप लगाए हैं उन्होंने बीजेपी पर भी कि गुंडाराज तो यूपी में है ही, वहीं एनडीए की गठबंधन वाली ये सरकार सबकी आवाज दबाने में लगी है। तो इसी के साथ राज्यसभा से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो काफी नाराज हुई उपसभापति ने जब उन्हें रोका उनकी बात रखने से। उनका कहना था कि वो स्थगन प्रस्ताव था, और ऐसे स्थगन प्रस्ताव में 3 मिनट की बाध्यता नहीं होती है कि उन्हें 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करनी है। जब उन्हें अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है सदन में, तो उनका सदन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और इसी बात के साथ, नाराजगी के साथ, मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और वो पहले भी सदन के अंदर बोलकर निकली थी वहां से बाहर कि इससे तो बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं, और काफी नाराजगी में और काफी तीखे शब्द या तीखे तरीके से यहां पर उपसभापति पर अपनी नाराजगी जाहिर कर वो सदन से बाहर निकल आई। हालांकि बीजेपी उस वक्त ये कह रही थी कि आप इस तरह उपसभापति की पद का, उसकी कुर्सी का अपमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन मायावती की नाराजगी नहीं रुकी और आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। संतोष पाठक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो संतोष, क्या कहें इस कदम को, कितनी बड़ी खबर है? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी, कि जिस तरह से अचानक एक एग्रेसिव रुख, आक्रामक रुख मायावती ने अपनाया दलितों के मुद्दे को उठाते हुए। हमने देखा कि ठीक 24 घंटे पहले, यानी कल, मायावती ये मुस्कुराते हुए कहते हुए नजर आ रही थी कि चलिए बीएससी की वजह से अब राष्ट्रपति का चुनाव कोई नहीं जीते, लेकिन दलित अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है। और आज सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा का मुद्दा उन्होंने उठाया, उपसभापति ने उनको उठाने नहीं दिया। उस समय उन्हें कहा गया कि नियम के अनुसार वो नोटिस दे। इससे एक तरह से मायावती बिल्कुल एग्रेसिव और आक्रामक रुख अपनाती है, सदन से वॉकआउट कर जाती है। वो ये कहती है कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, दलितों के मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा, तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगी। और बाहर आकर बाकायदा मीडिया के सामने ऐलान करती है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलती है। वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, और उनको इस मुद्दे को सदन के पटल पर उठाने नहीं दिया जा रहा, तो वो ऐलान कर देती कि आज ही वो अपने पद से इस्तीफा दे देगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई हो, भले ही लोकसभा में उसको एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन उसके पास अभी भी 25 से 30 फीसदी का एक बड़ा वोट बैंक है। और जाहिर सी बात है कि राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम हो जाएगा अगर मायावती अपने घोषणे के अनुसार दलितों के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देती है। तो संतोष, जितना हमें ये चीज चौंका रही है कि अचानक ये मायावती ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में भावावेश में लिया गया ये निर्णय है, या फिर सोच समझकर कुछ मायावती आई थी आज सदन में? देखिए, इसको भावावेश में लिया गया नियम शायद नहीं कह सकते। देखिए, आप 24 घंटे पहले दलित को राष्ट्रपति बनने पर आप एक बधाई देती हुई नजर आती है, बीएसपी को उसका क्रेडिट देती हुई नजर आती है, बाबा साहब अंबेडकर को उसका क्रेडिट देती हुई नजर आती है, और ठीक 24 घंटे बाद, देखिए मुद्दा वही दलित है, लेकिन एक तरफ आप तारीफ कर रहे थे और दूसरे दिन ठीक 24 घंटे बाद आप उसी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलती है, राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलती है, दलितों पर अत्याचार करने की बात को कहती है, और दलितों के मुद्दे पर अगर वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देती है, तो भले ही ये जो चुनावी हार, लगातार दो बड़ी करारी चुनावी हार मिली हो बीएसपी को, लेकिन दलितों के मुद्दे पर अगर वो इस्तीफा दे देती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक बड़े पैमाने पर वो आंदोलन भी छेड़ेंगी, एक बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर कर वो धरना प्रदर्शन करती हुई भी नजर आएंगी। और इस तरह का दृश्य कभी मायावती के साथ दिखा नहीं, मतलब कई सालों से मायावती ने कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन किया हो, सड़क पर उतर कर विरोध किया हो, इस तरह का दृश्य दिखा नहीं है। लेकिन ये जो राज्यसभा से इस्तीफा देने का जो एक नया, हम कह सकते हैं कि राजनीति
राजनीतिक एक दाव मायावती ने खेल दिया, तो जो अगली कड़ी होगी वो सड़कों पर उतरना होगा, और अगर मायावती सड़कों पर उतरने का फैसला करती है तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जरूर पड़ेगा, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू होगी, महज दो साल लोकसभा चुनाव को रह गए। संतोष, क्या लगता है कि जिस तरह से अगर हम देखें जो दलित है या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, बीजेपी ने उनको साथ लिया है, अगर हम राज्य के उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर अभी राष्ट्रपति जैसे एक देश के बड़े और सबसे बड़े गरिमामय पद की बात करें, वहां भी वो दलित चेहरे को ले आए, तो क्या मायावती को ये लगने लगा है कि वो दरअसल अपने आप को दलितों का हितैषी साबित करने की दौड़ में साबित नहीं कर पा रही, वो लगातार पिछड़ती जा रही है, तो शायद फिर यही एक दांव बचा हो ताकि खलबली मचाई जाए कि मैंने दलितों के हित के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया है। देखिए बिल्कुल, ये देखिए कि जब अमित शाह प्रभारी महासचिव बने थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, प्रीति, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि पार्टी बीजेपी तभी स्ट्रांग होगी जब बीएसपी कमजोर होगी, क्योंकि बीजेपी जो पहली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तो दलित उस समय बीजेपी के साथ था, उसी वोट बैंक को कांतीराम ने अपनी तरफ लेते गए, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी तो कमजोर होती गई और बीएसपी मजबूत होती गई, तो बीएसपी के वोट बैंक को लेकर ही बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ी, और विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी ने जो चेहरे सामने रखे थे, देखिए कि पिछड़ा चेहरा जो सामने रखा केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद थे विनोद सोनकर, उनको अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो और अब राष्ट्रपति चुनाव पर एक दलित व्यक्ति का चयन किया गया राष्ट्रपति पद को लेकर, तो मायावती ये समझ रही थी कि दलितों के वोट बैंक को बीजेपी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही थी, और वो कामयाब हुई, इसी का नतीजा हुआ कि बीएसपी को लगातार दो तीखी और करारी हार झेलनी पड़ी, तो अब इस वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने के लिए एक अग्रेसिव रुख, आक्रामक रुख अपनाना जरूरी होगा, और ये हमने सहारनपुर हिंसा के समय भी देखा था कि तमाम विरोधों और प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद वो बाई रोड सहारनपुर पहुंची थी, वहाँ के किसानों से वहाँ के पीड़ित दलितों से उन्होंने मुलाकात की थी, और अब एक स्ट्रेटेजी के तहत राज्यसभा से इस्तीफा देने की घोषणा, दलितों के मुद्दे पर इस्तीफा देने की घोषणा, जाहिर सी बात है कि मायावती राजनीतिक रूप से अपने आप को शहीद बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, और वो चाहेंगे कि दलितों में ये मैसेज जाए कि उनका मुद्दा सदन में नहीं उठाने दिया गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि अगर वाकई ये मैसेज वो कन्वे कर पाती है दलितों तक, अपने वोट बैंक तक, तो इसका असर बीएसपी की मजबूती और बीजेपी की कमजोरी के रूप में हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। बिल्कुल संतोष, अगर हम 2007 से लेकर फिर 2012 और उसके बाद अब अगर हम बात करें, तो क्या वाकई में जो मायावती जिस सोच को लेकर चल रही वही सोच राज्य में है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, गोमती में बहुत पानी बह चुका है, तो इस तरह के मुद्दे उठाकर या इस तरह के कोई कहें कि अचानक कुछ कर देना, बड़े फैसले ले देना, क्या दलित अभी उसी सोच का है या मायावती भी आकलन नहीं कर पा रही कि वाकई में यहाँ पर, माफ करना संतोष आपको रोकेंगे, इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वाजपेयी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ये मायावती ने कदम उठाया है, क्या कहेंगे इसको लेकर, अगर बोलने दिया होता सदन में तो शायद ऐसा नहीं होता, कि कौन हितैषी यहाँ पर दलितों का ज्यादा है फिर? अभी मायावती जी ने क्यों ये कदम उठाया इसके बारे में कुछ स्पष्ट कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार हार से अनुत्साहित होकर, निराश होकर, और शायद उन्होंने तो लगा हो कि उनका उद्देश्य था दलित जो कहती थी वो दलित वर्ग का उद्धान, जबकि पैसे का काम करती थी, क्योंकि एनडीए ने भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार दलित किया है और यूपीए ने भी दलित किया है, तो शायद उन्होंने सोचा कि अपना उद्देश्य पूरा हो गया है, कोई बने दलित बनेगा, इसलिए मैं अब दलित राजनीति से अप्रासंगिक हो जाऊंगी, भाजपा दलित राजनीति कर जाएगी, इसलिए हो सकता उन्होंने रास्ता खाली किया हो। लेकिन आरोप तो वो आप पर लगा रही है कि जब से आपकी केंद्र में सरकार आई है, राज्य में सरकार आई है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, उनका कहना कि अगर मुझे सदन में बोलने ही नहीं दिया जाएगा जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, तो मेरा उचित क्या है? बयान दिया था राष्ट्रपति का उम्मीदवार कोई जीते मैं प्रसन्न होंगी, क्योंकि दोनों दलित उम्मीदवार ठीक है, देश के सर्वोच्च पद पर दलित जा रहा है, इसके बाद भी यदि उनको लगता है कुछ ऐसा, तो ये उनके अंदर की हताशा निराशा का परिचय है, ना कि उनकी दलित प्रेम का। ठीक है, लेकिन वाजपेयी जी एक बात तो है ना कि ठीक है देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित चेहरा है जो अब बनने जाएंगे, क्योंकि नतीजे लगभग साफ ही हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर दलितों के मुद्दे ही ना उठाए जाएं, या फिर उस चेहरे के राष्ट्रपति पद पर बैठ जाने के बाद दलितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जी देखिए, किसी भी सदन के नियम है और वह सदन नियमों और परंपराओं से चलता है,
जिसको नियमों की जानकारी होगी और परंपराओं की जानकारी होगी उसके प्रश्न का संज्ञान न ले पीठ, ये कभी संभव नहीं है। वो कम से कम अपनी कार्य पद्धति को ध्यान करें और क्या सदन में नियमों के अंतर्गत और परंपराओं के अंतर्गत उन्होंने विषय उठाए और उनको अवसर नहीं मिला हो। तो ये क्या भावनाओं में बहकर ले लिया मायावती ने फैसला या फिर सोच के आई थी? देखिए, दो तीन दिन बाद अपने आप खुल कर आएंगी सारी बातें। हो सकता है पार्टी के भीतर का अंतर्द्वंद हो। तो अगर यहाँ पर ये संदेश देने में सफल हो गई वाजपेयी जी कि देखिए मैंने दलितों के लिए अपने पद से त्याग दे दिया, तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई उसी की तो चीज है। उनकी उनके सारे प्रयास के बावजूद सुनार की लोहार की भाजपा ने लोहार की चोट देकर ये संदेश दिया कि दलित के पक्ष में पंच स्थानिक बनाकर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के पांच स्थानों को तीर्थ स्थल का दर्जा देकर और रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने जो दलित क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है उससे हताश निराश बौखला कई कदम उन्होंने उठाया। लेकिन वाजपेयी जी, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं रहता है, किसी की भी सत्ता स्थायी नहीं रहती। ऐसा तो नहीं कि नहीं रहता, तो राजनीति में जो उनका अधिकार था सांसद राज्यसभा के नाते, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उनको करना चाहिए और इस्तीफा देकर भागना तो ये पलायन वाली राजनीति है, संघर्ष की राजनीति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पलायनवादी राजनीति मायावती कर रही हैं और दरअसल वो हताश हो गई हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव में हम देखें तो एक भी सीट नहीं मिली यूपी से, और विधानसभा चुनाव में भी हम सब ने हाल देखा कि यहाँ पर जो प्रमुख विपक्षी दल था वो कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर आ गया। तो ऐसे में हताशा के चलते ये कदम बीजेपी बता रही है मायावती का। तो बड़ी खबर यही है कि अचानक से मायावती आज सदन में बोली, लेकिन जो तेवर थे वो काफी तल्ख थे और सीधे सीधे उपसभापति से वो कह रही थी कि अगर उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद जब वो सदन से बाहर आई, मीडिया से मुखातिब हुई, तो उन्होंने कहा जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सदन में आई है अगर वही जिम्मेदारी उन्हें निभानी नहीं दी जा रही है तो उनका सदन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस्तीफा दे दिया है, देने का ऐलान किया है मायावती ने राज्यसभा से। संतोष पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संतोष, हम बात कर रहे थे राज्य की सियासत की, तो क्या वाकई में मायावती को लगता है कि जो 10-15 साल पहले की दलित की सोच थी वो अभी बरकरार है, कि इस तरह अपने आप को शहीद दिखाकर, इस तरह कोई एक फैसला लेकर वो उनकी सोच में असर कर जाएंगी? क्या ये मायावती गलत आंकलन नहीं कर रही यहाँ पर? देखिए बिल्कुल प्रीति, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जब बातचीत करी थी उससे पहले जो हमारी बात हुई थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गोमती नदी में बहुत पानी बह चुका है। देखिए ये बीएसपी 15 साल या 20 साल पुरानी वाली बीएसपी नहीं है। उस समय हमें देखना होगा कि उस समय बीएसपी के पास काशीराम का चेहरा था और काशीराम का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने साफ कह दिया था कि वो पद नहीं लेंगे, उन्होंने मायावती को आगे कर दिया था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए। दूसरी तरफ बीएसपी के पास कद्दावर नेताओं की पूरी फौज थी पिछले 4-5 सालों में, और खासतौर से अमित शाह के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद हमने देखा कि लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव बीएसपी से एक एक करके नेताओं के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। हालत ये हो गई कि जो बात करूं जी,